नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी हमारी बंगाल के ट्रेडिशनल डिश फिश पतोड़ी, जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो पूरा रेसिपी जानने के लिए मेरी इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखना। मैं आज आप सबके साथ कतला फिश पतोड़ी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। उसके लिए हमें चाहिए फिश पीसेस। मैं यहाँ पर कतला फिश के 8 बड़े साइज पीसेस लिया, जो फिश के बेली साइड का है। आप भी यही कोशिश करना कि फिश ज्यादा बड़ा हो और बेली साइड में पीसेस हो। इससे ये खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा और इसके अंदर ज्यादा बोन्स भी नहीं रहेगा। साथ में हमें चाहिए नमक, 4 टेबलस्पून सरसों, मैं यहाँ पर व्हाइट सरसों का इस्तेमाल करूंगी, 2 चम्मच खसखस यानी कि पोस्तो, ग्रेटेड कोकोनट, हरी मिर्च, एक एक हरी मिर्च को मैंने 2 पीस में कट लिया, हल्दी पाउडर और सरसों का तेल। और इस रेसिपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट केले पत्ते। कोशिश कीजिए थोड़ा सा बड़ा साइज के केले पत्ते लेने का। इसके अंदर हम फिश को फोल्ड करेंगे, उसके साथ ये धागा। हमने केले पत्ते को अच्छे से धो लिया। पहले हम एक बोल में 2 टेबलस्पून पानी लेंगे और उसमें मिलाएंगे 4 चम्मच व्हाइट सरसों और साथ में 2 चम्मच खसखस यानी कि पोस्तो। अब इसको हम 30 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये पानी में अच्छे से सोख हो। तब तक हम केले के पत्ते को सेक लेंगे। उसके लिए हम एक तवे को गरम करेंगे और उसमें एक एक करके केले पत्ते डालेंगे और उसको चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। इससे हम जब पीस को फोल्ड करेंगे तब केले पत्ते आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब हम एक मिक्सिंग जार लेंगे और उसके अंदर डालेंगे ये सोक्ड सरसों और साथ में एक खसखस और थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, क्योंकि हमें स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा पानी का भी जरूरत है। और साथ में डालेंगे 3 चम्मच ग्रेटेड नारियल यानी कि कोकोनट। अब मिक्सिंग जार के ढक्कन बंद करके इसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंडिंग कर लेंगे। इसके बाद हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें एक ग्राइंडिंग पेस्ट डालेंगे और उसके साथ मिलाएंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1/2 चम्मच नमक, नमक आपको जितना चाहिए उतना ही डालना। अब इसको हम हाथ से अच्छे से मिलाएंगे। अब इसके अंदर एक एक करके मछली के पीस डालेंगे और इसको मसाले के साथ अच्छे से कोट करेंगे। भर भर के इसको मसाले के साथ अच्छे से कोट करेंगे ताकि इसके अंदर मसाले का फ्लेवर अच्छा आए। अच्छे से मैरिनेशन के लिए इसमें 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल भी डालेंगे। हमने सारे मछली को मसाले के साथ अच्छे से कोट कर लिया। अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हम एक एक करके केले के पत्ते लेंगे, जिसको हम लोगों ने पहले सेक लिया था। अब एक केले के पत्ते के ऊपर एक मैरिनेटेड मछली डालेंगे और साथ में डालेंगे थोड़ा सा मैरिनेटेड पेस्ट। इसको मछली के चारों तरफ अच्छे से लगाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल और 1/2 हरी मिर्च यानी कि 1 हरी मिर्च के 1/2 पोर्शन। आप इस केले पत्ते को अच्छे से फोल्ड करेंगे
ताकि मछली बाहर न निकल आए। आप इस पार्ट को ध्यान से देखना। केले के पत्ते को पहले सेकने के वजह से ये अच्छे से फोल्ड हो गया। अब हम एक रिबन के मदद से इसको चारों तरफ से अच्छे से बांधेंगे ताकि ये खुल न जाए। ये अच्छे से फोल्ड हो गया। अब हम इसी तरह से बाकी फिश को भी फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारी 8 मछली के पीस अच्छे से फोल्ड हो गया। अब हम इससे पतूड़ी बनाएंगे। हम एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल और तेल को पैन के चारों तरफ अच्छे से ब्रश करेंगे। आप गैस के फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे और इसके ऊपर एक एक करके ये फोल्डेड मछली पीसेस डालेंगे। एक साथ सारे नहीं डालना। मैं यहाँ पर 3 फोल्डेड मछली के पीस डाला। अब इसको हम कवर कर देंगे ताकि हमारी मछली अच्छे से पक जाए। 5 से 7 मिनट बाद हम कवर को खोल के इसको पलट देंगे ताकि इसके दूसरे साइड भी अच्छे से कुक हो जाए और इसको फिर से कवर कर देंगे। 7 से 8 मिनट बाद हम जब कवर को खोलेंगे तब आप देख सकते हो हमारी मछली अच्छे से बेक हो गया, यानी कि पातुड़ी एकदम रेडी हो गया। अब हम इसको उठाएंगे और एक प्लेट के ऊपर रख देंगे। अब इसी प्रोसेस में हम बाकी फिश के भी पातुड़ी बनाएंगे। तो रेडी हो गए हमारी कतला फिश के पातुड़ी। मैं आपको एक पातुड़ी खोल के दिखाती हूँ। पहले हम सारे सूते को फेंक देंगे। आप इस फोल्ड को खोलने के बाद आप देख सकते हो हमारी मछली अच्छे से कुक हो गया और ये देखने में बेहद ज्यादा खूबसूरत है और ये एकदम सॉफ्ट बन चुकी है। मुंह में डलते ही ये घुल जाएगा और ये खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। तो इसको प्लेन राइस के साथ जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को भी दबाना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। शुक्रिया।